लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 67.71% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 37 मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 175 और उड़ीसा के 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का रण खत्म हो चुका। 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में हुई वोटिंग में कुल 67.77% वोटिंग हुई, जो 2019 से 4.35% कम है, यानी कि 5 साल में करीब 5% वोटिंग घट गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 71.12% वोटिंग हुई थी। वहीं चौथे चरण की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ की 13 सीटों पर 58.09% वोटिंग हुई है। वोटिंग ट्रेंड 2019 जैसा है, तब 58% वोटिंग हुई थी। बारिश के बावजूद खीरी में सबसे ज्यादा वोट पड़े, 64.73% वोटिंग हुई, जबकि कानपुर सीट पर वोटर बूथ तक नहीं पहुंचे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग खत्म होते तक 4 सीटों पर 63.14% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूमि में मतदान हुआ, यहां 66%, तो सबसे कम पलामू में 59% मतदान हुआ। वहीं खूंटी में 65% और लोहरदगा में 62% वोट डाला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान खत्म हुआ। इस चरण में ओवरऑल 56% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा बेगूसराय में 58% वोटिंग हुई, जबकि मुंगेर में सबसे कम 55% वोटिंग हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास और एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने शाम को जानकारी दी। बिलगेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी अलग होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सही समय है कि मैं परोपकार के क्षेत्र में दूसरे पड़ाव की तरफ जाऊं। मेलिंडा इस फाउंडेशन से साल 2000 से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स से उनके सेपरेशन एग्रीमेंट के तहत गेट्स फाउंडेशन में किए सर के बल का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को पद से हटा दिया। सरगेई की जगह आंद्रेई बेलोसाऊ को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। रूस ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बेलोसाऊ इससे पहले उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। ईरान के चाबहार में शाहिद बेहतशी पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच ये डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। भारत ईरान के बीच चबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने वार्निंग दी। अमेरिका ने कहा कि ईरान से व्यापार करने की वजह से भारत पर पाबंदियों का खतरा रहेगा। जानकारी के मुताबिक अमेरिका विदेश विभाग के उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चाबहार पोर्ट की डील पर कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उस पर प्रतिबंध लगाने का खतरा बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर क्रूज से पहुंचे और गंगा आरती की। उसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी डीएम कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का सोमवार शाम को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। सुशील ने करीब 7 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई थी, जिसमें कैंसर का पता चला था। इसके बाद से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सुशील कुमार मोदी के साथ विद्यार्थी परिषद के समय किए गए कामों का स्मरण किया। इस दौरान सीएम ने उन्हें नम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बता दें सुशील लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 साल की रेप विक्टिम को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह फैसला उसके कल्याण और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया। विक्टिम 25 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। बता दें मेडिकल बोर्ड की ओर से एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी। वैकेशन बेंच ने रिपोर्ट को देखकर फैसले में कहा, परिस्थिति की गंभीरता को देखकर हमारे लिए नाबालिग लड़की की भलाई और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। बिलासपुर के गोल्डी छाबड़ डेथ केस में
मध्य प्रदेश फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल से बीएससी नर्सिंग छात्रों के पेपर होंगे। परीक्षा में 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बाद पिछले 3 सालों से एग्जाम पर रोक लगी हुई है। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक गौशाला परिसर का सर्वे जारी। आज गौशाला में एएसआई सर्वे का 54वां दिन। आज सर्वे के लिए एएसआई के 12 अधिकारी और 39 मजदूर सुबह 8 बजे पहुंचे। आज मंगलवार होने के कारण हिंदू श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचेंगे, जिसके चलते गौशाला के अंदर कुछ वक्त के लिए काम बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने बीच रास्ते उन्हें 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारे भाग निकले। यह नक्सल घटना है, आपसी रंजिश में हुई वारदात। ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। घटना नारायणपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। दुर्ग शहर में खून से सनी एक युवक की लाश पाई गई। शहर में लगे मोहलई इलाके में युवक का शव पाया गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की शिनाख्त में शख्स का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा, जो दुर्ग का ही रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीतापुर के हाई प्रोफाइल मर्डर में खुलासा होने का दावा किया जा रहा। बताया जा रहा कि मृतक के भाई अजीत सिंह ने संपत्ति के लालच में उसकी मां, भाई और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी अजीत सिंह ने पुलिस के सामने 6 लोगों की निर्मम हत्या की बात कबूल की है। एसओजी टीम अजीत सिंह के साथ दूसरे लोगों से भी लगातार पूछताछ कर रही, जिसके बाद ही पुलिस सही तरीके से हत्या का खुलासा कर सकेगी। टीकमगढ़ के बमहोरी कला थाना क्षेत्र में नकली नोट का मामला सामने आया। पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से करीब 22,000 रुपए के नकली नोट समेत एक प्रिंटर जब्त किया है। एक दुकानदार ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। सहरसा में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इनके पास से 1 4-पहिया वाहन, 24 डेबिट कार्ड, 4 लैपटॉप, 23 पासबुक, 17 सिम कार्ड और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के भवी साहब शिवपुरी मोहल्ले के पास कार में कुछ लोग साइबर ठगी का काम कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई। आगरा में ऑटो चालक से जेवरात भरा बैग बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही। दरअसल 3 महीने पहले ताजमहल घूमने आए के नरों के ग्रुप का गहनों से भरा बैग गायब हुआ था, जिसका कोई सुराग नहीं मिला था। ड्यूटी पर जा रहे सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को ऑटो चालक पर शक हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया। जब चालक की पत्नी ने पूछताछ की तो उसने मामले का खुलासा किया। नैनपुर पुलिस ने चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पिछले दिनों अज्ञात चोरों ने एक गोदाम से 2 मोबाइल समेत नगद 1,59,000 रुपए चोरी किए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी रेलवे स्टेशन में मौजूद है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। यहां मतदान कर्मियों को लेकर वापस लौट रही बस सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी। भीषण हादसे में एक होमगार्ड जवान के मौके पर मौत हो गई, जबकि 9 मतदान कर्मियों के घायल होने की खबर। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ गई, फिर सामने आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, कई मीटर तक कार खिसकती चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को, शवों और घायलों को निकाला। पुलिस के मुताबिक कार गाजियाबाद से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी, जैसे ही कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन सड़क किनारे पलट गई। अजवर बहार गांव में यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार लोग मुड़ा पार के बताए जा रहे हैं, जो पिकनिक मनाने सतरेंगा की तरफ गए थे, जहां जमकर शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण यह हादसा हुआ। कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए।